कोविड 19 पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सभागार में किया गया। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार, सीएमओ डॉक्टर एसके तिवारी, एसपीसीटी डॉक्टर कौस्तुभ सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कोविड 19 से निपटने के लिए अब तक किए गए तैयारियों की समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने कहा कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोई भी कोरोना वायरस का मरीज पाया जाता है तो उसका यहां समुचित इलाज किया जाएगा। इसके बाद अधिकारियों ने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड का भी निरीक्षण किया और वहाँ के व्यवस्थाओं से अवगत हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, तो आपकी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, पीएमएसएसवाई है, मतलब हम वहाँ पर झांसी, मेरठ, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, बड़ा मंदिर है, एडमिट भी नहीं किया। उसका नाम करेक्शन थोड़ा सा, देवरिया वाला जो अस्पताल है वो सावित्री नर्सिंग होम है, शांति है।
आरडी मेडिकल कॉलेज, जैसा कि आपको पता है कि ये मंडल ही नहीं, मंडल के बाहर के भी जनपदों की जो चिकित्सा सेवा है उसमें लिप्त रहा है। और ये बहुत आवश्यक है कि इस समय में जब हम कोविड-19 से फाइट कर रहे हैं, यहाँ की जो सेवाएं हैं वो बहुत ही उच्च स्तर की ही हों, प्रभावी हों और उसमें कोई विलंब ना हो। और उसी के लिए हम लोग यहाँ पर आज पूरा प्रशासन हम लोग उपस्थित हैं। और हम इंश्योर करना चाहते थे कि यहाँ पर जो 200 बेड का हमने हॉस्पिटल किया है एक्टिवेट, वो ठीक चले, हर एक मशीन, हर एक पर्सनल जो हमने इन्वॉल्व किया है वो सारी सुविधाएं समयगत हों, दिन रात चलें। और इसी के लिए हम ये सारे इंतजाम कर रहे हैं। और उसकी जितनी लिंकेजेस हैं, एक्टिव क्वारंटाइन की, पैसिव क्वारंटाइन की, 7 दिन के बाद टीम चेंज होगी, वो 14 दिन में जाएगी, पैसिव क्वारंटाइन में जाएगी, वो कहाँ पर होगा, किस होटल में रुकेंगे, वो सारी चेन जो है वहाँ से स्टार्ट करके डेड बॉडी डिस्पोजल तक, ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी प्रोसीजर्स हैं वो सब हमने आज थर्ड बेयर डिस्कस किए। और आशा करते हैं कि हमसे कोई चूक नहीं होगी और हम बहुत प्रभावी कार्रवाई कर पाएंगे। सॉरी, मंडल में कोविड का, जैसे आपको पता है कि हमारे महाराजगंज जनपद से 6 केसेस पॉजिटिव आए हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा अब सैंपल ले रहे हैं। बहुत जल्दी जो एंटीबॉडी की हमारी किट है वो आने वाली है, तो हम लार्ज स्केल पर और ज़्यादा सैंपल ले पाएंगे। कोई भी ऐसा मरीज या व्यक्ति जो सैंपल का, जो कोविड से संक्रमित हो सकता है, हम उसके सैंपल लेके तुरंत जांच करने का प्रयास कर रहे हैं। और स्क्रीनिंग और कंफर्मेशन दोनों यहां से हो रहा है, जैसे कि उसी दिन हम उसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आवश्यकता पड़ने पर और अन्य जो प्रोसीजर्स हैं वो कर पाएँ। महाराजगंज में हमने 4 टोले हैं, बेसिकली 4 छोटे-छोटे गाँव हैं, उनको सील किया हुआ है और उसमें सभी विभाग जो उनकी कार्रवाई है वो की जा रही है। आशा ये है कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, आवश्यक सेवाएं डोर स्टेप पर दी जाएंगी और पुलिस और प्रशासन के सहयोग से हम कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, उसमें दो केसेस हमारे संग, वो भी आज हम लोगों ने इस पर गहन चर्चा की है कि इसमें कोई प्रोसीजर लैप्स ना हो, एक्यूट रेस्पिरेटरी हो, फीवर हो, हाई फीवर हो, थ्रोट में इन्फेक्शन हो, ऐसा कोई भी केस जो कोविड-19 के संक्रमण में उसमें संदेह हो सकता है उसका सैंपल जरूर लिया जाए। और ये लोग अच्छा समझते हैं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज की एक परंपरा रही है और कोई भी स्लिप अप हम होने नहीं देंगे। धन्यवाद।